रहेगी। ये क्या करा लिया, ये पता यो के हुआ मेरा मुंह फिर गया कैसे फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मेरे छोटे से कंधों पर, नन्ही सी जान पर पहाड़ जैसा काम है। पर ये जो काम है ना, वो किसी ने आपको फोर्सफुली करने के लिए नहीं कहा है। आज जो काम मैं करूँगी वो मेरी अपनी चॉइस है, मैं अपने मन से करना चाहती हूँ। अब काम क्या है वो मैं यहाँ पर आपको इलैबोरेट कर ही दूँगी। और आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेले बैठ के मुझे सारा काम करना है। बोरिंग बोरिंग हो, व्हाट अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, कोई बात ही नहीं करता मेरे से, बात ही नहीं करता बहुत ज़्यादा। आप फिर मैम होती हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हम दोनों मजाक मस्ती करते हुए अपना काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप फिर मैम दो दिन से बिजी हैं, उनके एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। काम कुछ ये है गाइस कि जैसा आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से स्कूल ओपन होने वाले हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 2 दिन है, आज का और कल का, तो हर चैप्टर से रिलेटेड मैं एक एक्टिविटी प्लान कर लूँ। ये एक्टिविटी प्लान करने का मेरा 2 पर्पज़ है। एक ये पर्पज़ है कि बच्चों को स्कूल जेल ना लगे, क्योंकि 2 साल उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की है, घर पे बैठ के पढ़ा है। अब आप सभी जानते हैं कि बच्चों ने घर पे बैठ के कैसे पढ़ाई की है, उन्होंने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, इससे सब रूबरू है, किसी से कुछ भी नहीं छुपा है। अब 2 साल बाद बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्कूल उन्हें एक जेल की तरह लगेगा, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम पर आना है, एक फिक्स टाइम पर जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट किसी भी बच्चे को जेल ना लगे, इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। तो मेरा एक पर्पज़ ये है चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी प्लान करने का। दूसरा पर्पज़ मेरा ये है कि जब चैप्टर से रिलेटेड हम एक्टिविटी कराते हैं ना, तो बच्चों को वो चैप्टर ना 4 दिन बाद अगर उससे कुछ पूछो चैप्टर से रिलेटेड, तो वो इजीली रिकॉल कर पाता है। पहले वो एक्टिविटी रिकॉल करता है, फिर वो चैप्टर रिकॉल कर लेता है। भले ही वो उस क्वेश्चन का आंसर सही ना बताए, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो बताएगा, उसके माइंड में चैप्टर कुछ तो जाएगा। तो मेरा दूसरा पर्पज़ है इफ़ेक्टिव लर्निंग। कि जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मैं खुद चाहती थी कि यार स्टडी बोरिंग ना हो, चैप्टर्स बोरिंग ना हो, तो इसीलिए अब मैं वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पे फील किया है। और मैं भी जब छोटी थी ना, मैं भी यही सोचती थी यार टीचर लाइफ बढ़िया है। वैसे मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ। अब आगे मुझे पता चल रहा है यार टीचर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। एक तो स्कूल की लाइफ होती है उनकी, फिर अपनी पर्सनल भी होता है, घर भी होता है, सब कुछ उन्हें उसी 24 आवर में समेटना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो यार टीचर को हैट्स ऑफ है, और ये मतलब वाकई मुझे अभी इस लाइन में आके पता चल रहा है। तो अब जल्दी से बहुत सारा काम है उसको ख़त्म कर लेते हैं, और आपसे बाद में मिलते हैं घर पर जाके। आज तो लेट कैसे हो गए? आज वो मैंने बताया था ना, आफ्रिन मैम के एक्सटर्नल एग्जाम के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो आज लास्ट डे था उनका, बहुत सारा काम था, तो मैं उनकी हेल्प करा रही थी, उनके पास हेल्प के लिए कोई था नहीं, तो इसलिए मैं लेट हो गई। आज घर में कौन आया था? बिस्किट आज घर में तेरी बुआ जी आई थी। अच्छा, नोएडा से? हाँ, तेरे को किस लिए? वैसे ही घूमने। अच्छा, घूमने। और ये इतने सारे चुलाई के लड्डू पास है, देखिएगा इस कितने सारे चुलाई के लड्डू। व्रत नहीं है नवरात्रि? अच्छा, कब से नवरात्रि? 2 तारीख से। अच्छा, तो गाइस हमारी शॉप है ना, तो ये इसलिए शॉप के लिए आए हैं, 2 तारीख से नवरात्रि है। मुझे तो पता ही नहीं था कि 2 तारीख से नवरात्रि है। आजकल स्कूल में कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा है, हमें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। मम्मी जरा चाय बना लो यार, थोड़ी सी बनने लग रही। चाय बन रही है? जब तक मैं बाल धो के आ जाती। चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, मैं पहले बाल धो के आ रही हूँ, इतने आप चाय बना के रखो, डाल के रख देना। जरा गाइस मेरी हालत देखो, आज कानों में झुमके हैं, ऊपर कुर्ता है, नीचे शॉर्ट्स है, अजीब। अच्छा, तुम्हारी दवाई आज? हाँ, खत्म हो गई भैया। चलो ठीक है, मैं बाल धो के, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे आ गया बुढ़ापा? अभी तो जवान आ गया। अभी तो तुम जवान हो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो तुम चलती फिरती 10-15 को नोई गिरा दो। भाई के साथ क्या कर रही मेरी गैलिया? मैं कह रही हूँ मैं ना बुढ़ी होगी, बुढ़ापा आ गया। अरे मकई मना, बुढ़ापा आ गया। हम लोग कह रहे अभी कहाँ बुढ़ापा आ गया, अभी तो तुम जवान हो। तो लगी ये क्या करा लिया? ये पता यो के हुआ मेरा मुंह फिर गया। कैसे फिर गया? अभी अभी तक कल तक तो ठीक था ही, आज तुमने अपना मुंह फिरवा लिया। मेरे के बस की बात है, लिप फिलर लगवा लिए। हाँ क्या क्या करवा के आई तुमने? ऑटो पे
देखिए चुक्कर लटक रहे हैं। ये इधर का इधर हो गया और इधर का इधर खिंच गया। अच्छा और जवानी के इंजेक्शन लगवा लिए। बताओ ये क्या करवा गया, ये तुमने देखा नहीं सुबह से तुम्हारा ये इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर घूम गया। हो गया। वैसे तो ये सही है, जो तो सही है, लेकिन ऐसे खिंच ऐसे ऐसे खिंच रहा है। डॉक्टर के नहीं गई हो? बोटॉक्स करवाया गई थी, फिर डॉक्टर ने कहता दवा ले जा ठीक हो जाएगी दवाई। और तो परहेज नहीं बताया कुछ? हाँ परहेज बताया। तो करेगा कौन उस परहेज को? करती तो नहीं। मैं करूंगी। तुम करोगे? सुबह से कितनी बीड़ी बीड़ी के सट्टे लगा ली है? ना आज नहीं पी। आज नहीं पी? एक भी कैसे काम चल रहा फिर बिना बीड़ी के? चल जाएगा नहीं फिर सुबह तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि तुम्हारी तो बीड़ी के बिना निकलती नहीं ना। नहीं करूंगी। इसका आप ध्यान रखो, एक हफ्ते अच्छे से परहेज करो, है ना? अभी तो बुढ़ी होगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा कैसी दिख रही हो? नहीं भाई बुढ़ी नहीं हुई, अभी तो मैं जवान हूँ। पिता पिता पिताजी को तो घना दुख हो रहा था, है मेरी उम्मती के यू क्या हो गया। सो गाइस मैं घर से निकल चुकी हूँ मम्मा की दवाई लेने के लिए, और पुलिस वालों के डर से हमें डाकू बनना पड़ता है, डाकू मंगल सिंह। सो गाइस यहाँ पर मैं शॉप पे पहुँच चुकी हूँ। मम्मा होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हैं क्योंकि वो अच्छी रहती है, मम्मा को सूट करती हैं, और मम्मा के ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो दवाइयों में कुछ चेंजेस हुए हैं। और देखो मैं वैसे इतना बोलती हूँ और मेरे से ना ये दो नोट नहीं संभाले जा रहे, माया मेरे से संभाली नहीं जा रही है। अब मेडिसिन मैंने ले ली है, अब चलते हैं घर, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।